स्वागत है और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे जो आ रही है भोपाल से, जहां सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे प्रभात झा। और आपको बता दें कि प्रभात झा सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। इससे पहले सिद्धू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मोदी को देशद्रोही बताया था, जिसको लेकर प्रभात झा सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। और एक बड़ी खबर हम आपको रूबरू करा रहे हैं भोपाल से, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, सिद्धू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मोदी को देशद्रोही कहा था, जिसको लेकर अब प्रभात झा सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। क्या कुछ कहना है आपका और क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमनदीप, कल नवजोत सिंह सिद्धू की दिग्विजय सिंह के समर्थन में भोपाल में दो तीन सभाएं हुई हैं, दो तीन जगहों से, नरेला में, बैरागढ़ में। तो इन जगहों पे नवजोत सिंह सिद्धू ने जमकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रहार किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भाषा की मर्यादाएं लांघते हुए उन्होंने पीएम मोदी को देशद्रोही तक कहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी हरकत में आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी ने साफ कहा है कि वो अब संबंधित थाने में जाकर के सिद्धू के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को किस आधार पे देशद्रोही कह सकता है, इन सब बातों का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद में बैठता है। लिहाजा इन सब बातों को ध्यान में रख करके बयान जारी करना चाहिए, इसलिए भाजपा अब यहाँ पर कड़े एक्शन के मूड में दिख रही है। जी जी संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं जो भोपाल से है, जहां सिद्धू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को देशद्रोह बताया था। अब उसी बयान को लेकर प्रभात झा सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश की चर्चा